आज का पंचांग। आज माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज शाम 6:57 तक रहेगी। आज दोपहर 1:02 तक विषकुंभ योग रहेगा। इस योग में शुरू किए गए कार्यों में व्यवधान आने की संभावना बनी रहती है। साथ ही इस योग में किए गए कार्यों से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। साथ ही आज का पूरा दिन पूरी रात रवियोग रहेगा। आज का पूरा दिन पूरी रात पार करके अगली सुबह 6:43 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। सूर्य जिस नक्षत्र में चौथे, छठे, नौवे, दसवे, तेरहवे अथवा बीसवे नक्षत्र पर जब चंद्रमा संचरण करता है तब रवि योग होता है। रवि योग बहुत ही शुभ माना जाता है। रवि योग में 13 प्रकार के कुयोगों का स्वतः ही विनाश होता है। आथा रवि योग में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा आज प्रदोष व्रत है। शुभ मुहूर्त त्रयोदशी तिथि आज शाम 6:57 तक रहेगी। विषकुंभ योग आज दोपहर 1:02 तक रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र आज का पूरा दिन पूरी रात पार करके अगली सुबह 6:43 तक रहेगा। सूर्योदय सूर्यास्त का समय। आज सूर्योदय सुबह 7:08 पर होगा तथा सूर्यास्त शाम 6 पर होगा। आज का राशिफल। मेष राशि, आज आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यधिक मेहनत करनी होगी, तभी आप सफलता हासिल कर सकेंगे। यदि आपका अपने आसपास के लोगों से कोई वाद विवाद चल रहा है तो वह भी आज सुधरेगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा। यदि आज आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सावधान रहना होगा। वृष राशि, आज का दिन आपको कड़े संघर्ष के बाद सफलता दिलाने वाला रहेगा, जिसके कारण आप प्रसन्न रहेंगे। आज यदि आप हिम्मत से किसी भी निर्णय को लेंगे तो उसमें आप सफलता हासिल करेंगे, लेकिन आज यदि आपको कोई सलाह दे तो आपको उस पर ध्यान देने से बचना होगा। आज आपको अपनी कड़ी मेहनत के बाद ही धन प्राप्त होगा। मिथुन राशि, आज का दिन आपका पारिवारिक माहौल उत्सव जैसा रहेगा, क्योंकि आज आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, जिसके कारण परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न नजर आएंगे व एक दूसरे से गिले शिकवे भी दूर होंगे, लेकिन आज आपकी वाणी आपको मान सम्मान दिलाएगी, इसलिए अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखें। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग आज एक दूसरे के संग यात्रा पर जाने की सोच सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करना बेहतर रहेगा। व्यापार कर रहे लोगों को आज अपने किसी साथी से धोखा मिलने के कारण परेशानी होगी। सिंह राशि, आज का दिन यदि आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम रहने वाला है, इसलिए आज व्यापार अथवा शेयर बाजार जैसी जगहों पर भी आप दिल खोलकर निवेश कर सकते हैं। आज आप अपनी मधुर वाणी से लोगों को आकर्षित करने में सफल रहेंगे। सायंकाल का समय, आज आप किसी धार्मिक आयोजन में भी सम्मिलित हो सकते हैं। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहेगा। आज आपको कार्य क्षेत्र में भी मान सम्मान मिलता दिख रहा है व अपने साथियों का साथ भी, जिसके कारण आप अपने सभी कार्यों को आसानी से पूरे करने में सफल रहेंगे। सट्टेबाजी में निवेश कर रहे लोगों के लिए आज दिन उत्तम रहेगा। तुला राशि, आज का दिन आप धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में व्यतीत करेंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको नौकरी संबंधित कोई ऐसी सूचना सुनने को मिल सकते हैं, जिसके कारण प्रसन्नचित हो उठेंगे व परिवार के सदस्यों के लिए कोई पार्टी भी आयोजित कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन आप थोड़ा उदास महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आपके कामों में रुकावट आएंगी और आपके कुछ काम भी आगे के लिए भी टल सकते हैं। जीवन साथी से भी यदि कोई वैचारिक मतभेद चल रहा था तो आज आप उसे दूर करने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आपका तनाव थोड़ा कम होगा।
धनु राशि, आज का दिन साझेदारी में व्यापार कर रहे लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है, जिसके कारण उनको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। लेकिन आज आपको अपने किसी परिवार के सदस्य से धोखा मिलने के कारण मन दुखी रहेगा। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है तो उसमें भी आज आपको विजय मिल सकती है। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ भागदौड़ भरा रहेगा, जिसके कारण आप परेशान होंगे, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए समय निकालने में नाकामयाब रहेंगे और राजनीति से जुड़े लोगों को आज उनको कोई अपना ही धोखा दे सकता है, जिस कारण उनके कुछ कार्य भी लंबे समय के लिए टल सकते हैं। कुंभ राशि, आज का दिन विद्यार्थियों के लिए सफलता दिलाने वाला रहेगा। आज आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिसके कारण आप अपनी किसी भी कार्य को आगे के लिए नहीं टालेंगे, क्योंकि आप लंबे समय से रुके हुए कार्य को भी पूरा करेंगे। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। यदि आप किसी संपत्ति को खरीदेंगे तो वह आपको भविष्य में दोगुना होगा, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। यदि आज आप किसी अपने परिवार के सदस्यों के साथ पिकनिक पर जाने का विचार बना रहे हैं, तो उसमें आपको चुप रहना ही बेहतर रहेगा।